Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमको पॉसिबली जो कि हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक डेमन प्रीस्ट है गाइज, क्या वो हमको पॉसिबली कैशिंग करते हुए देख सकते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के ऊपर, और क्या वो हमको पॉसिबली बनते हुए देख सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस, हमारे जो कि मिस्टर मनी इन द बैंक डेमन प्रीस्ट थे गाइस, उन्होंने ये साल के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में जीत ली थी मेंस मनी इन द बैंक की ब्रीफकेस, और वो कभी भी हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेट रॉलिंस ने तो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के ऊपर कैशिंग करते हुए देख सकते हैं। गाइस, चांसेस बन सकते हैं कि शायद से हमको डेमन प्रीस्ट रोमन रेंस के ऊपर कैशिंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमको शायद से इन द कमिंग फ्यूचर दिखा सकती है रोमन रेंस वर्सेस द ब्लड लाइन, यानी जो ब्लड लाइन रहेगी वो हमको जजमेंट डे के साथ फ्यूड करते हुए दिखा सकती है। अभी आप लोग बोलेंगे तो अलग अलग ब्रांच होंगे, शायद से रिपोर्ट्स की माने तो हमको ब्रांच प्लेट गाइस अभी के लिए थोड़ा कम होते हुए दिखने आ रहे। तो गाइस पॉसिबली गाइस जो कि हमको जो द ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे की फ्यूड दिखाने के लिए डब्ल्यू पॉसिबली ऐसा कर सकती है कि वो हमको गाइस दोनों टीम्स के बीच में उसकी शुरुआत करने के लिए डेमन प्रीस्ट का कैशिंग करवा सकती है रोमन रेंस के ऊपर, जिससे कि हमको फिर द ब्लड लाइन वर्सेज जजमेंट डे की फ्यूड भी चालू होते हुए दिखेगी। और गाइज, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।